एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग, ये नाम पहले शायद ही आपने कहीं सुना होगा क्योंकि पूरे यूट्यूब पर तो ये बैरिंग्स नहीं है। मैंने भी सर्च करके देखा, एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग का कोई स्पेसिफिकेशंस यूट्यूब पे है ही नहीं। तो बताएंगे इस वीडियो में एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग के बारे में, ये बैरिंग किस तरह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कहां पर इनका यूज किस तरह से हो जाता है। एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग के एक नंबर की पहचान कुछ अलग होती है, उसकी आईडी ओडी उसी नंबर से निकल जाती है। बताएंगे पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने वीडियो में अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैरिंग्स बड़े कमाल का टॉपिक है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई छोटा ग्रुप नहीं है। कि बैरिंग की डेफिनेशन तो एक वर्ड में छोटी सी लाइन में पूरी हो जाती है, लेकिन बैरिंग के जो स्पेसिफिकेशन है, उनके डिस्क्रिप्शन है, उनके टाइप्स है, वो कितने मॉडल के कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस में बहुत सारे बैरिंग अलग अलग तरह से यूज होते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग नाम से पता चल रहा है कि बहुत छोटा स्मॉल बैरिंग होंगे एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग को। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं उनकी आईडी ओडी कैसे निकलती है। ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग के अंदर हमारा बैरिंग नंबर हो जाता है BC2-6। अगर इस तरह से बैरिंग नंबर कोई लिखा हुआ मिलता है, आप सबने देखा होगा 6206-22-06-22-215-22-315, इस तरह के स्फेरिकल सिलेंड्रिकल इस तरह के बैरिंग्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग शायद ही कहीं पढ़ा होगा BC2-6। इस तरह के बैरिंग बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं वहां पर यूज होते हैं। तो इनकी ओडी आईडी कैसे निकलती है, इनकी आईडी बोर्ड देखिए, यहाँ पर अगर लिखूंगा मैं आईडी की बात कर लेता हूँ, इंटरनल डायामीटर, इसका इंटरनल डायामीटर यहीं से ही शो हो रहा है, ये जो 2 दिया है तो ये 2 इसका इंटरनल डायामीटर हो जाएगा। तो डैश के बाद में जो ये नंबर दिया है 6, तो ये इसका ओडी यानी कि आउटर डायामीटर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू हमारी एमएम में आती है मिलीमीटर में, और ये भी एमएम में आएगी मिलीमीटर में। ये बात इसी नंबर से देखो, इसी नंबर से इसकी आईडी और ओडी दोनों निकल के आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल इसमें ऐसे हैं। बीसी इसका कॉमन है, इसी यहाँ पर कॉमन मिलेगा, और यहाँ पर बीसी से पहले कुछ और वर्ड भी मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू भी मिल सकता है। तो आगे दिया है BC2-7, इसका मतलब है ये 2 mm तो इसका आईडी हो गई और 7 mm इसकी ओडी हो गई। इस तरह से अगर यहाँ पर ए लग गए यानी कि BC2 और यहाँ पर लगा दिया हमने 7A, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका ऐसे ही होगा यानी कि 2 इसकी आईडी हो जाएगी और 7 इसकी ओडी हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं BC3-8 भी आता है, तो इसका मतलब है 3 mm इसकी आईडी हो गई और 8 mm इसकी ओडी हो गई। इसी तरह यहाँ पर अगर WBC लिखा है कहीं पर WBC-5-11Z, एक एग्जांपल ये आता है बैरिंग का, देखिए यहाँ पर W लग गया इसमें, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी यानी कि 5 mm जो होगा इसका हमारा बोर हो जाएगा, आईडी हो जाएगी, और ये 11 ये इसकी ऑडियो हो जाएगी। इसके बाद में जो वर्ड लिखा है जेड, इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है, 7A भी हो सकता है या 11Z हो सकता है, 11A भी हो सकता है, वो उसका टाइप। तो इसकी आईडी यानी कि इंटरनल डायामीटर और इसका ऑडियो यानी कि आउटर डायामीटर इन्हीं से निकल के आ जाता है जो यहाँ पर नंबर लिख के हुए मिलेंगे। एक इसमें आ जाता है WBC-5 और ये 13Z आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 5 इंटरनल डायामीटर हो गया और ये 13 इसका हमारा ऑडियो हो जाएगी। तो इस तरह के एग्जांपल ये आ जाते हैं। कुछ बैरिंग टाइप्स ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है 68/1.5 या 69/1.5, इसका क्या मतलब है देखेंगे। ये बैरिंग नंबर भी कुछ हटके ही है, कुछ अलग टाइप से आ जाते हैं। तो इसका इंटरनल डायामीटर यहाँ पर जो स्लैश के बाद नंबर मिलेगा, यहाँ पर 1.5 मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 mm इसका आईडी हो जाएगी, और इसी तरह इसमें 1.5 mm इसकी आईडी हो जाएगी। अब ओडी इसी नंबर से जैसे निकलते जा रहे थे, जो बाद के नंबर थे यहाँ पर हम ओडी देखते रहते, तो यहाँ पर हम इसकी ओडी यानी कि आउटर डायमीटर नहीं देख सकते इन बैरिंग्स नंबर में, इनका कुछ फिक्स ही होता है। जैसे यहाँ पर इस वाले का हमारा 4 mm होगा और आउटर डायमीटर, और इसका 5 mm होगा, क्योंकि इतने छोटे हैं तो यहाँ से कैलकुलेशन नहीं निकल के आती, सिर्फ इन बैरिंग नंबर से हम 1.5 mm यहाँ पर इंटरनल डायमीटर देख सकते हैं, इसका भी इंटरनल डायमीटर देख सकते हैं, जो स्लैश के बाद में नंबर है तो स्लैश से 12 है वो कोडिंग है, यानी अगर 69 है तो 5 mm होगा और 68 है तो 4 mm होगा, ये बात फिक्स है, इसकी कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग्स में आते हैं, और भी इससे अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल बैरिंग्स में, बहुत सारे टाइप्स इसमें भी होते हैं, और कुछ हटके स्पेशल बैरिंग्स अलग से भी आते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए।